सकते हैं, इनके पास स्टॉक लगा हुआ है इनका। और ये कौन से गोल्डन में है, ये गोल्डन में, ये सिल्वर में है, और भाई पीतल में है, सब सभी तरह की गन मिल जाएगी आपको यहाँ पे, देख सकते हैं। ये यहाँ से इस तरीके से खुलेगी, और ये सेंसर्स के जी 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 जी, ये देखो साफ लिखा बरेटा मॉडल 92FS, इसमें भी ये गोल गोल रिंग्स डलती है, यहाँ डलेंगी, यहाँ से इस तरीके से खुलेगा। तो गाइस अब हम फायर करेंगे वापस की तरफ बॉक्स पे, काफी अमेजिंग पावर देख लो आप, पार कर गया बिल्कुल। तो गाइड मैं आ चुका हूँ शॉप पे, और मेरे साथ है शॉप के ओनर मानव भाई, और कैसे हो भाई? बढ़िया भैया। और मानव भाई कौन कौन सी गन मिल जाती है यहाँ पे? हमारे यहाँ सभी तरह की इंडियन और इंपोर्टेड एयर गन, एयर पिस्टल सब मिल जाती है, और उनकी सब एक्सेसरीज कवर और पैलेट्स भी इंपोर्टेड मिल जाएंगे आपको जी। और एक बार अपनी शॉप का एड्रेस बताओ कहाँ पर है? हमारी शॉप ये बेगमपुर के पास पीएल शर्मा रोड है जी, वहाँ पे गन्स की शॉप है हमारी, एयर गन की जी, मेरठ में मानव गन के नाम से जी, ठीक है, ये पीएल शर्मा रोड पे है मेरठ में जी। कितने रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे यहाँ एयर गन? वो जो एयर पिस्टल्स होती है 1500 रुपए से, एयर गन 3000 रुपए से, उसके साथ हम लोग पूरा कॉम्बो देते हैं आपको, मतलब उसकी सारी एक्सेसरीज जो भी है, पैलेट हो गया और साउंड कोक हो गया जी। और आज कौन कौन सी गन दिखाने वाले हो? आज हम आपको डाइना की दिखाएंगे, मेड इन जनवरी गन्स, और कुछ CO2 गन्स दिखाएंगे आज फुल रिव्यू के साथ, मतलब पूरा मतलब साउंड वाउंड वगैरह, हाँ फुल फायर टेस्ट आज हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। और ये कौन सी गन है जी? भैया ये तो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है, इसका नाम है तहलका एयर पिस्टल। तहलका एयर पिस्टल, हाँ जी, इसका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे इसके लिए। यह है तहलका एयर पिस्टल, बहुत ही बढ़िया, देखिए कितने आराम से, ग्रिपिंग भी काफी अच्छी और फुल ऑफ मेटल है। अगर आप इसको ऐसे कोई बच्चा अच्छा भी होगा ना, उसके हाथ से ऐसे छूट के गिर भी जाएगी, ये टूटती नहीं है, मतलब टूटने की नहीं है, नहीं फुल मेटल बॉडी है और काफी अमेजिंग है, ज्यादा महंगा भी नहीं है ये, ठीक है। देखो इसका लोड करके दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से बहुत इजिली लोड भी हो जाती है ये, ठीक है। अब देखो इसको खाली फायर भी काफी अच्छा आता है, बिना साउंड को रखे जी, अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें बिना साउंड को रखे भी, ठीक है। फिर एक और मॉडल आता है, ये इसके ऊपर का मॉडल है, ठीक है ना, इसकी भी लुकिंग सेम वैसे ही है जी। इसका थोड़ा बैरल लंबा है और यहाँ थोड़ा डिजाइनिंग है, ये भी इसी तरीके से लोड होती है। अब देखो इसकी आवाज भी काफी अच्छी है, देखो बिना साउंड को क्या है, अगर साउंड को लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा साउंड आता है इनसे। हाँ आप बात करें थोड़ी अच्छी क्वालिटी की, तो अच्छी क्वालिटी में हीमैन का प्रोडक्ट है ये, हीमैन मार्क 2, ठीक है। इसकी रेंज भी काफी अच्छी और सबसे बढ़िया क्वालिटी की एयर पिस्टल आती है ह्यूमन की है। अगर आपको शूटिंग प्रैक्टिस के पर्पस से चाहिए, देखिए कितना अमेजिंग आवाज इसका, देखिए मतलब शूटिंग पर्पस से, और किस पर्पस से होती है जी? शूटिंग प्रैक्टिस के लिए, बंदे अंदर भगाने के लिए, या बहुत से लोग ऐसे एंजॉयमेंट के लिए साउंड कॉफ लगा के चलाते हैं, थोड़ी बहुत हवाबाजी के लिए। हाँ ये इसी का मार्क 2 का ही दूसरा कलर है, इसमें भी सेम ऐसे इसी तरीके से इजिली लोड हो जाती है बहुत ये, ठीक है। और देखो आवाज भी काफी अच्छी आती है इसमें, ठीक है, बिना साउंड को गया। हाँ। और एक साउंड को का मतलब टेस्टिंग के लिए दिखा देंगे आप? हाँ अभी हम आपको दिखा देंगे एक साउंड को, फिर उसके बाद आता है कि ब्लैकबेरी का एयर पिस्टल फुल ब्लैक में, इसकी भी रेंज काफी अच्छी और इजीली लोड हो जाते हैं सभी, इनमें ज्यादा जॉन नहीं लगानी पड़ती, देखिए इसका भी। और कितना वेट होगा इनका लगभग? सब में लगभग 1 किलो के आसपास समझ के चलिए, सब में 1 किलो के आसपास। हाँ, और अगर आपको पूरा ही बेसिकली शूटिंग प्रैक्टिस के लिए गन चाहिए, तो ये आता है हीमैन का थाईफोन एयर पिस्टल फुल बॉक्स के साथ ये, ठीक है। ठीक है ये हीमैन का बॉक्स है, इस तरीके से आती है पूरा प्रॉपर बॉक्स में ये, ठीक है। इसके साथ ये लोडर दिया हुआ, हम इसको लोडर को इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे लेंगे और इस तरीके से लोड करेंगे, ठीक है। अब ये लोड हो गई तो हम ये मजल इसका बाहर निकाल देंगे, ठीक है। शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो काफी अमेजिंग चीज है, देखिए धुआं भी काफी अच्छा आएगा इसमें भी, और आवाज भी, प्रेशर भी, सब चीज बढ़िया है इसमें, साउंड कॉक नहीं लगता, ये खाली शूटिंग प्रैक्टिस पर्पस से ही बनाई जाती है जी, ठीक है ना। और जी अगर मतलब ये खराब हो जाए तो कुछ रिपेयर की होती है, रिपेयर करा सकते हैं? हाँ खराब हो जाता है तो हमारे यहाँ रिपेयर हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके जो भी वो चार्ज, और इनके साथ में बिल भी मिलता है? हाँ जी बिल मिल जाएगा, बिल मिलेगा इनके साथ में, ठीक है। तो गाइस ये है ह्यूमन का मार्क 2 एयर पिस्टल, ठीक है। तो अब इसमें हम आपको फायर टेस्ट दिखाते हैं, फायर टेस्ट करके दिखाएंगे आपको कैसा साउंड है इसका, लाइव आपको दिखाने वाले हैं। लोड हो चुकी है, जब ये लोड हो जाती है तो बिल्कुल फ्री हो जाती है, ठीक है। हम इसमें हम ये डालेंगे पैलेट 0.177 जी, 0.177 जी। आप और अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हो वो सब मिल जाएगा हमारे यहाँ जी, मतलब सब एक्सेसरीज मिल जाती है। ठीक है अब हमने इसमें लोड कर दिया, ये टॉपर पावर का साउंड कोक है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, इस तरीके साउंड कोक, ये हम सनलाइट में सुखा चुके हैं अभी, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, एक साउंड कोक ये निकाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं इसको, ठीक है। हमने पैलेट लोड कर दिया अंदर, ठीक है। ये बस इसमें जो ऑरेंज वाली साइड थी हमने इसको अंदर कर दिया, ठीक है। ठीक है अभी हल्का सा इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है अब इसको हम बाहर फायर करेंगे, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग साउंड आप देख सकते हैं, सुन कर दिए, देख सकते हैं इनके पास स्टॉक लगा हुआ है गन का,
और ये कौन से गोल्डन में है, ये गोल्डन में, सिल्वर में है और भाई पीतल में है, सब सभी तरह की गन मिल जाएगी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और कौन कौन सी गन भाई ये बताइए आप इनके बारे में कौन कौन सी। ये CO2 गन्स होती हैं, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह रियलिस्टिक लगती हैं। ये इस तरीके के इसमें शेल होते हैं जी, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लगाते हैं इनमें यहाँ पे फिर पैलेट। इसका नाम बताइए कौन सी गन है ये। 10 वर्जन का 2.5 जी। ये तो खुलने के बाद और यहाँ पर CO2 सिलेंडर रहेगा, यहाँ पे CO2 सिलेंडर रहेगा इसका, ठीक है। दिखा रहे तो किस तरीके से होता है, इस तरीके का एक सिलेंडर आता है जिसके प्रेशर से ये वर्क करती है, ठीक है। वो इस तरीके से पूरा इसके अंदर जाएगा, पेच वेज सब खोल के, ठीक है जी। फिर ये वर्क करती है इसमें, फिर आपको इस तरीके से कर देना है और फिर ये प्रॉपरली वर्क करेगी। कितने सेल आते हैं इसमें? इसके साथ 6 सेल आते हैं जो कम्प्लीट ये जो है इसके अंदर, अभी देख रहे हो ना इस तरीके से लगे हुए हैं। ये मूवीज में, एल्बम सॉन्ग्स में काफी यूज हो रही है आजकल। ये रिवॉल्वर में आते हैं तो फिर एक ही आता है गोल्डन कलर में, गोल्डन कलर में देख सकते हो, थोड़ा मूवीज वगैरह में यूज होता है ये। और वैसे तो आम आदमी तो बहुत ही कम पसंद करेगा, इसमें भी सेम यही प्रोसीजर है पूरा, सब मजे सेम यही प्रोसेस है। हाँ ये भी काफी अच्छा लगता है, ठीक। ये कौन सी है? ये वोल्टर का PPK पिस्टल है। ये सब इम्पोर्टेड है जितनी भी? जी जी ये सब इम्पोर्टेड गन्स है, इम्पोर्टेड गन है जितनी भी रखी हुई है यहाँ पे। समझ लो हमारे यहाँ पूरे मेरठ में इतनी सारी गन शॉप से सबसे सारी वैरायटीज है हमारे पास, उन लोगों के पास इतनी वैरायटीज नहीं मिलेंगी आपको जितनी आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगी। हाँ जी सारी वैरायटी इनके पास, इंडियन गन हो चाहे इम्पोर्टेड गन हो, एयर वाली सारी जितनी भी होंगी सब चीजें, ये वाली गन्स उस सब की आपको हमारे ऑल इन वन ये समझ लो कि एक ही शॉप में आपको सब चीज मिल जाएंगी, सब कुछ, एयर गन, पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल और इम्पोर्टेड इंडियन सभी तरह की मिलती है, सब एयर का, सब एयर का आपको सारा मिल जाएगा आपको हमारी, ठीक है। ये भी सेम वही प्रोसीजर है इसका, इस यहाँ से खोल के यहाँ CO2 गैस सिलेंडर डलता है, ठीक है, फिर हम इसको बंद कर देंगे, चलेगी सब CO2 गैस सिलेंडर से, सभी CO2 डलता है। हाँ हाँ ये इसकी मैगजीन इस तरीके से होती है, ठीक है। और इसमें सेल थोड़े आते हैं? नहीं पिस्टल में सेल नहीं आते, फिर देखिए इस तरीके से जब इसमें CO2 लोड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक पुल बैक होती रहती है, ठीक है। अभी हम इसको रिलीज कर देते हैं। और ये क्या लगता है इसमें अंदर क्या डलता है? अंदर इसमें सिलेंडर डलेगा और BB की बॉल्स होती है, गोल गोल बॉल्स आती है, हाँ ठीक है, वो डलती है इसमें। डिमांडिंग आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में भी ये प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा है ग्लॉक 17 जनरेशन 4 ऑस्ट्रेलिया मेड ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, देख रहा ना कितना अच्छा लुकिंग होता होगा इसका। और किस चीज़ में बनी हुई है, मतलब किस चीज़ की बनी हुई है ये? इसका ये ऊपर का जो पूरा स्लाइडिंग वाला है पूरा मेटल का है, थोड़ा इसमें फाइबर का वर्ड है, इम्पोर्टेड फाइबर होती है, हाई फाई है, यहाँ पे इस तरह की पूरी मैगजीन होती है, ये फुल ऑफ मेटल की है एकदम हैवी वेटिंग में, ठीक है, मतलब मेटल और फाइबर दोनों मिक्स है। हाँ 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 यहाँ पे इसकी BB चलती है यानी कि बॉल्स, वो भी हम आपको दिखा देंगे इसका, ठीक है। फिर हम इसको मैगजीन को अंदर करेंगे, एक बार पुल बैक करेंगे ये इस तरीके से, जब हम इसको चलाएंगे ना CO2 गैस सिलेंडर डाल के तो ये ऑटोमेटिक पुल बैक होती रहेगी, करेगी अभी तक इसको ऐसे ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऑटोमेटिक वर्क करती है प्रॉपर। और किस लिए होती है जी ये? फॉर एज अ सेफ्टी पर्पस, या कुछ लोग इसे शूटिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, वो लोग लाइसेंस नहीं ले पाते, वो लोग इन चीजों से अपना शौक पूरा कर सकते हैं, मतलब इनके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, इनके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो उसके बाद एक और ये रिवॉल्वर आएगा, ये उससे थोड़ा बड़ा साइज में देख सकते हैं, ये उससे थोड़ा बड़ा साइज में, ये थोड़ा ग्रेइश कलर में, हाँ जी, और ये देखिए ग्रेइश कलर में, ये सिल्वर कलर में, तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा हूँ जी, है ना, है ना, ठीक है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसके शेल किस तरीके से होते हैं, इसके शेल में यहाँ पे BB चलेंगी आगे जी, वो BB बाहर जाएंगी, ये शेल बाहर नहीं जाती कभी भी, ठीक है जी। इसको हम इस तरीके से डालेंगे और सेम वही प्रोसीजर है, इसको भी यहाँ से खोल के सिलेंडर डालते हैं उनके प्रेशर की आवाज होती है, वैसे कोई इसमें रियल जैसा साउंड नहीं आता है, ठीक है। और जो आपने बताया था इनके अंदर क्या डलता है वो, इनके अंदर BB और BB आप दिखा सकते हो? हाँ मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये BB की शीशी आती है, ये आती है BB की, हाँ बॉल्स होती है इसमें 1000 बॉल्स होती है, वो मतलब ये लोहे में प्लास्टिक में ऐसे बता सकते हो, मेटल की होती है, मेटल होती है, मेटल होती है। पैलेट ये देखिए सबसे सुपर क्वालिटी का पैलेट आता है, इसका नाम है हॉलनट पैलेट, पैलेट है, हाँ हॉलनट। और भी कई तरह के पैलेट आते हैं आप देख सकते हैं, ये भी एक पैलेट है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप पैलेट। हाँ जी, और कितने मीटर की रेंज हो सकती है इनकी? इनकी 10 मीटर तक की रेंज होती है, बेसिकली 10 मीटर आपको शूटिंग प्रैक्टिस करना है तो एक्यूरेसी बढ़िया है, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये तो बहुत पास हो गया हमें, हाँ थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ही शूटिंग करने के लिए। और 10 मीटर मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम है, मिनिमम है। और 10 मीटर से कितने मीटर तक की हो सकती है लगभग? समझ लो 30 मीटर 30-40 मीटर आराम से चली जाएगी जी जी। और इसके बाद में कौन सी दिखाने वाले हो? उसके बाद ये आता है स्कॉचफील्ड का लॉन्ग बैरल में, जो
लॉन्ग बैरल के शौकीन है जिन्हें मतलब थोड़ा स्टाइलिश में चाहिए, हाँ जी, तो उनके लिए काफी अच्छी चीज देख सकते हैं आप इसको प्रॉपर जी। और मेड इन कौन सी है? ये मेड इन ताइवान है, यहाँ आप मेड इन ताइवान, मेड इन ताइवान 0.177 कैलिबर की है, 4.5 mm की बीवी डलती है इसके अंदर भी, ठीक है ये यहाँ से इस तरीके से खुलेगी। और ये सेल्स है इसके? जी जी, ये इसके सेल्स है, ये इसके सेल्स से थोड़े बड़े से लग रहे हैं, सेम नहीं, नहीं, सेम साइज है, सेम साइज है जी, ठीक है फिर इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। और CO2 सिलेंडर इसका भी इनसे लगेगा, हां जी यहां से CO2 डल गया जी। ये ओमरक्स कंपनी की है, मेड इन जर्मनी, ये प्लास्टिक के इस तरीके बॉक्स में ही आती है, ठीक है। अब इसको मैं से, ये इस तरीके का बॉक्स होता है प्रॉपर इसका। ये है मॉडल 92FS बरेटा कंपनी का, बरेटा के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे जी जी जी। ये देखो साफ लिखा बरेटा मॉडल 92FS, इसमें भी ये गोल गोल रिंग्स डलती हैं, यहाँ डलेंगी, यहाँ से इस तरीके से खुलेगा, इसमें पुल बैक सिस्टम नहीं होता, ये फिर ये यहाँ लगेगा इस तरीके से, ठीक है। लगने के बाद फिर इसको ऐसे पीछे कर दिया जाएगा इस तरीके से, फिर ये यहाँ से इसमें CO2 डालना है, तो यहाँ डलता है इसमें, हाँ यहाँ से ये बटन है इसका, पीछे से खुल जाता है, यहाँ CO2 डलेगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से ऐसे टाइट करते रहेंगे, टाइट हो जाएगा ना, इसमें एल की वगैरह का सिस्टम नहीं होता है, बस आपको सीधा डायरेक्ट CO2 लगाना, जितना वो आपसे टाइट होता है वो आप करिए, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से कर दीजिए, फिर जो और बचा कुचा होगा ना वो इसे प्रेस करने से ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। और ये भी शूटिंग के लिए होती है? हाँ जी, ये भी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए होती है। और फुल बॉडी मेटल में है? फुल बॉडी मेटल है, कम से कम 1 किलो से भी ऊपर का वेट है इसमें, 1 किलो से ऊपर का वेट है, आप देखो काफी भारी है जी, बिल्कुल 1 किलो से ऊपर का वेट है इसके जी। डिमांडिंग आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में भी ये प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है ग्लॉक 17 जनरेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया मेड, ऐसे करके लिखा हुआ है जी। किस चीज की बनी हुई है ये? इसका ये ऊपर का जो पूरा स्लाइडिंग वाला है पूरा मेटल का है, थोड़ा इसमें फाइबर का वर्ड है, इम्पोर्टेड फाइबर होती है, हाई फाई यहाँ पे इस तरह की पूरी मैगजीन होती है, ये फुल ऑफ मेटल की है, एकदम हैवी वेटिंग में, ठीक है, मतलब मेटल और फाइबर दोनों मिक्स है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे इसकी बीबी चलती है यानी कि बॉल्स जी, वो भी हम आपको दिखा देंगे इसका, ठीक है। फिर हम इसको मैगजीन को अंदर करेंगे, एक बार पुल बैक करेंगे, ये इस तरीके से जब हम इसको चलाएंगे ना CO2 गैस सिलेंडर डाल के, तो ये ऑटोमेटिक पुल बैक होती रहे करेगी, अभी तक इसको ऐसे ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऑटोमेटिक वर्क करती है प्रॉपर। और किस लिए होती है जी? ये फॉर एज अ सेफ्टी पर्पस, या कुछ लोग इसे शूटिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, वो लोग लाइसेंस नहीं ले पाते, हाँ वो लोग इन चीजों का शौक पूरा कर सकते हैं, मतलब इनके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, नहीं नहीं इनके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो हमने वहाँ एक सामने एक बॉक्स रखा है जी, ठीक है, हम उस पर शूट करेंगे, आपको ना कभी भी हार्ड चीज पे इसको शूट नहीं करना, सॉफ्ट चीज पे या थोड़ा कार्डबोर्ड वगैरह पे शूट करना, ठीक है। देखिए अब हमने जब CO2 वगैरह इसमें लोड करते हैं तो उसके बाद ना आपको एक बार पुल बैक देना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखिए हम ये पुल बैक देंगे, अभी ये पूरी लोड हो चुकी है, अब देखिए किस तरह चलेंगे, देखिए देखा ना कितना अमेजिंग साउंड आ रहा है, बहुत फास्ट पुल बैक हो रहा है। तो हाँ जी देखिए, तो गाइस ठीक है ना, अभी जैसे हमने बताया था कि मैगजीन में जब बीबीज खत्म हो जाती है तो इस तरीके से हो जाता है, इसको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसमें मैगजीन निकालेंगे, अगर हमको और चलानी है बीबीज लोड करके फिर चलाते हैं, ये होता है इसका प्रोसीजर। ये डाइना की, मेड इन जर्मनी, मेड इन जर्मनी, ये देखिए यहाँ ये पूरा लिखा हुआ इसका डाइना का, डाइना की ये पहचान है। और इसके बारे में बताओ, मतलब कैसे कैसे चलती है, इसके अंदर क्या डलता है? इसके अंदर इम्पोर्टेड पैलेट ही डलेगा जी, इंडियन पैलेट हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे, और ये स्प्रिंग वर्जन है, अभी जो गन्स आ रही है वो नाइट्रो में आ रही है, ये स्प्रिंग वर्जन है, काफी अच्छा मॉडल है ये। हम इसको लोड किस तरह करते हैं, इसको हम पहले यहाँ रखेंगे आराम से इजिली, फिर इसको ऐसे लेंगे और ये इस तरीके से ये लोड हो जाती है, लोड होने के बाद हम यहाँ से इसका पैलेट डालते हैं, ठीक है अभी हम इसको पैलेट नहीं डाल रहे, अभी थोड़ी बाद हम फायर टेस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है फिर हम इसको इस तरीके से ऊपर करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ एक लॉक सिस्टम दिया होता है, ये हम इसको आगे करेंगे तो ये चलाने के लिए तैयार है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऐसी खाली फायर करके देखा, काफी तेज आवाज दीजिए, मतलब बिना साउंड को रखे, हाँ बिना साउंड को, और इंपोर्टेड गन्स में साउंड को कभी चलाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और आप इसकी एमिंग्स देखो कितनी अच्छी है, ये सब टारगेट करने के लिए काफी अच्छी है। कितने मीटर की रेंज है जी इसकी? इसकी 100 मीटर के करीब आराम से हो जाती है, 100 मीटर की। और मतलब किस लिए होती है, किस पर्पस से होती है? कुछ लोग हंटिंग के यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, सब चीज का अलग अलग मॉडल के हिसाब से। डाइना 250 मॉडल है जी, ठीक है। अब देखो इसको भी हम इसी तरीके से लोड करेंगे, देखिए कितना इजीली लोड हो जाएगी, ठीक है ठीक है। सेम प्रोसीजर है, यहीं से आपको पैलेट डालना है इसका। हाँ जी, हाँ जी। अब ये है नाइट्रो में, ठीक है, तो इसकी साउंड बहुत ज्यादा है और प्रेशर भी इसका ज्यादा है, इसमें भी हम सेफ्टी लॉक आगे करा,
ठीक है, अब देखो मैं इसको चलाता हूँ तो काफी बहुत ज्यादा पावर है इसका भी, देखो खाली बहुत ही ज्यादा साउंड है, देख सकते हैं आप लाइव। हाँ जी, अगर आप शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं इससे तो काफी अमेजिंग चीज है। हम इसको आपको ना पैलेट चला के फायर टेस्ट दिखाते हैं, ठीक है? हमारे अगर इस रेंज में तो हम ना छोटी फायर करके दिखाएंगे बस। वो यहाँ पर आपको मतलब टारगेट ही है, ये पूरे लोहे के डब्बे हैं ये, ठीक है? हम इस पे फायर करके दिखाते हैं, ठीक है? ठीक है, लाइव दिखाएंगे आपको एकदम। देखिए अब हम इस तरीके से इसको लोड कर रहे हैं, ये लोड हो चुका है। अब इसमें हम फ्लैट हेड का, ये फ्लैट होता है फ्लैट हेड इसका, ये पैलेट हम इसमें लगा के चेक करेंगे, ठीक है गाइस? तो गाइस अब हम फायर करेंगे वापस की तरफ बॉक्स पे, तो फोकस होगा सारा हमारा बॉक्स के ऊपर, देख सकते हैं ये देखिए। तो गाइस बॉक्स आगे देख सकते हैं आप कहां जाके पड़ा, लाइव आपके सामने बिल्कुल एकदम लाइव दिखा रहे हैं। और कहां पे है बॉक्स, और बॉक्स से भाई ये पे यहां पे देख सकते हैं आप बिल्कुल आर पार कर गया है, काफी अमेजिंग पावर देख लो आप, पार कर गया बिल्कुल। और ये कौन सी गन है भाई? ये गैमो की है, रोस्टर 10 शॉट जनरेशन 2। इसमें इस तरीके की मैगजीन होती है, ठीक है? मैगजीन है ये। इसके अंदर हम 10 पैलेट्स लोड कर देते हैं, फिर ये मैगजीन यहाँ पे लग जाएगी इस तरीके से ही, ठीक है? ठीक है, फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस ब्रेक करना और फायर करना, ब्रेक एंड फायर। अभी हम इसमें कुछ नहीं, हम इसको ऐसी ब्लैंक फायर करके दिखाते हैं। और ये ना इसका सप्रेसर है जो नॉइस को वो कर ले, कम कर देता है, ठीक है? ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है, मैं ऐसी चलवा के दिखाता हूँ। इस तरीके से बहुत ईजिली लोड जाती है, ठीक है? लोड होने के बाद इस तरीके से फिर लॉक है, ये लॉकिंग सिस्टम है, इसको आपको पीछे करना है इस तरीके से, और फिर ये फायर हो जाती है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। और जब इसमें पैलेट डालोगे तो और कम नॉइज होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सबवेजर फिटेड है, कंपनी से सबवेजर फिटेड है इसमें, ये बहुत अच्छी खासियत है। और काफी लाइट वेट है, ना ज्यादा भारी है ना ज्यादा हैवी है, लाइट वेट है काफी। और इसकी रेंज भी कितनी है? इसकी रेंज काफी अच्छी है, एक्यूरेसी वगैरह भी बहुत अच्छी है इसमें। मेन फंक्शन ये है कि इसमें एक तो ये 10 शॉटर है, ठीक है? और ना इसमें आपको कोई CO2 गैस सिलेंडर या कोई भी गैस का कोई काम नहीं है जी, क्योंकि इसमें बस आपको लगाना है और ब्रेक करना है, पैलेट डलता है इसमें। हाँ, मैगजीन लगेगी 10 शॉटर, ब्रेक करना है और चलाना है ऐसे इस तरीके से बस, फिर दोबारा ब्रेक करना है चलाना है बस, ये है इसके। और कितना वेट होगा इसका? लगभग 2 या 2.5 किलो वजन होगा इसका, काफी अच्छी है ये। मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा शूटिंग करेगा तो काफी लाइट वेट है। ये भी गैमो का ही मॉडल है, ये उससे अपग्रेड वर्जन है, ठीक है? इसमें इसी का मॉडल है, हाँ उसी कंपनी का, ये गैमो कंपनी का, उससे अपग्रेड वर्जन वाला मॉडल है ये, ठीक है? और दोनों मतलब देखने में एक जैसी लग रही है, क्या फर्क है इन दोनों में? कंपनी का फर्क है और मॉडल ही उससे हाईएस्ट मॉडल है, अपर मॉडल है। यहाँ लिखा देखो रिप्ले 10 शॉट मैगनम IGST, ये रिप्ले, ठीक है? इसमें भी 10 शॉट की वही मैगजीन लगती है, यहाँ से लगेगी मैगजीन वो, और मतलब स्कोप भी लगा सकते हैं इन पे। हाँ, यहाँ पे ये स्कोप लगा सकते हैं आप, रेली वगैरह सब फिटेड है इसमें कंपनी से, लगा सकते हैं आप। हाँ जी, और इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होगा, मैगजीन लोड करने के बाद बस आपको ब्रेक करना है, यहाँ पे रखिए आप आराम से इजीली, और ऐसे लीजिए और ये सीधा लोड होगी यहाँ, ठीक? अब इसको हम ऊपर करेंगे, फिर वही लॉकिंग सिस्टम होता है इसमें, और फिर हम देखिए इसको फायर करते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा साउंड है, देख सकते हैं आप बिना साउंड को के, इसमें इसकी पावरफुल है बहुत ही ज्यादा। अगर आप हंटिंग पर्पज से भी यूज करोगे तो काफी अच्छी चीज है जी। हंटिंग ना करो तो ज्यादा बेटर है, आप बस शूटिंग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी चीज है, शूटिंग के लिए काफी है। उसका प्रेशर भी ना सबसे मस्त प्रेशर है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप बियर की या कांच की कोई सी बोतल वोटल लोगे ना कहीं अच्छी लॉन्ग रेंज में फायर करोगे, हाँ जी, तो बिल्कुल फटी जाएगी। ये गैमो रिप्ले है, गैमो रिप्ले। और इसकी रेंज कितनी है? रेंज इसकी काफी अच्छी है और स्पीड भी अच्छी है, 100 मीटर से भी ऊपर जाएगी। 100 मीटर से भी ऊपर जाएगी।